क्लास एट। सॉरी, समीक्षा से स्वर समीक्षा से हल कर रहे हैं प्रश्नों को, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप प्रश्न है सरल कीजिए। सरल करना है अपने को। क्या दिया हुआ प्रश्न? पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्वर समीक्षा कौन कौन सी कर ली हमने, रिपीट थोड़ा रिपीट कर लें उसको। पहले की थी स्वर समीक्षा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ये की थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद कर ली थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद की थी जब पहला पद समान हो दूसरा पद असमान हो, पहला पद क्या हो समान दूसरा पद असमान, तो कौन सी की थी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तीन हो गई। उसके बाद कौन सी की थी जब दोनों पद समान हो, दोनों पद क्या हो समान हो, दोनों पद समान है लेकिन उसके चिन्ह असमान है, दोनों पद समान है लेकिन चिन्ह क्या है असमान, तो कौन सी की थी अपने ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या किया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था। आगे बात समझ में, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था। तो ये चार किए अपन अभी तक। अब सरल करो के प्रश्न कर रहे हैं, चारों में लागू होंगे कोई ना कोई एक पहचान। क्या बता रखी है मैंने पहले पॉइंट में, क्या बताया मैंने, जब दोनों पद समान है और चिन्ह भी समान है, या पहले से होल स्क्वायर दिया हुआ है, पहला पद समान है दूसरा पद भी समान है और चिन्ह भी समान है, या फिर होल स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरे में पहला पद समान है दूसरा पद समान है और चिन्ह भी क्या है समान है, सेम चीज़ें। तीसरे में पहला पद तो समान है लेकिन दूसरा पद असमान है, पहला पद तो समान दूसरा पद असमान। और चौथे में जब दोनों पद समान है लेकिन चिन्ह क्या है असमान, दोनों पद समान है पर दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या है उसके असमान है। ठीक है, इस प्रश्न को लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर कैसे करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दादे को समीकरण नंबर दो लागू होगी इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है ना, सूत्र होल स्क्वायर के साथ समीकरण आएगी और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस की आएगी, प्लस का चिन्ह है प्लस की आएगी। तो यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह हमने लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए की वैल्यू क्या लेके आएंगे अपन, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या लेके आएंगे, बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर दो इंटू ए, ए का मान ए स्क्वायर इंटू बी, बी का मान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर फोर हो गया, ए फोर माइनस गुणा कर लो
दो इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दो को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से गुणा किया तो क्या गया, दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर गुणा कर लो, दो दूनी चार, क्या आ गया बी फोर। ये समीकरण का हल आ गया, हल क्या आया, ए फोर माइनस दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर। सरल समीकरण कौन सी लगाई इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर दिया हुआ है, बीच में माइनस दिया हुआ है, समीकरण नंबर सरल समीकरण दो नंबर कहाँ मिली है, अपने होल स्क्वायर करना है, बीच में माइनस का चिन्ह कौन सी ली, दो नंबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, दो एक्स प्लस पाँच का होल स्क्वायर, दो एक्स माइनस पाँच का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, पहला काम क्या करना है, अपने पहला काम ये करना है, इसको हल करना है अलग से, इसको हल करना है इस अलग से, बाद में इसका नंबर लेंगे हम, इन दोनों को पहले हल कर लेंगे, बाद में माइनस लगा के इसका नंबर आएगा, पहले हल दोनों को करना है, पहला काम ये दोनों को हल करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, दो एक्स प्लस पाँच का होल स्क्वायर, दो एक्स प्लस पाँच का होल स्क्वायर याद करो, सरल समीकरण देखो, होल स्क्वायर करना है और बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखो सरल समीकरण कौन सी काम आएगी आपके, मैंने चारों लिखी हुई यहाँ पे, होल स्क्वायर करना है प्लस का चिन्ह है, होल स्क्वायर करना है प्लस का चिन्ह है, सरल समीकरण पहले नंबर काम आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करना है प्लस का चिन्ह है, तो सरल समीकरण कौन सी काम आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी काम आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों लगा, क्योंकि होल स्क्वायर करना है बीच में प्लस का चिन्ह है, क्यों लगा अपने, ये होल स्क्वायर करना है बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, दो एक्स, बी की वैल्यू क्या है, पाँच, ए की वैल्यू दो एक्स है और बी की वैल्यू पाँच है, ए स्क्वायर ए की वैल्यू दो एक्स, दो एक्स का स्क्वायर, दो इंटू ए की वैल्यू क्या है, दो एक्स, इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, पाँच, बी स्क्वायर क्या हो गया, पाँच का स्क्वायर। तो दो का दो एक्स का स्क्वायर करना है, दो का स्क्वायर करना है, तो दो इंटू दो कर लिया कितना आ गया, चार आ गया, और एक्स इंटू एक्स कर लिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, चार एक्स स्क्वायर प्लस दो दूनी चार, चार पंजे बीस, गुणा कर लिया अपने, दो को दो से गुणा किया कितना आया, चार आया, और चार को पाँच से गुणा किया बीस आया, क्या आ गया, बीस एक्स। पाँच का स्क्वायर करना है, पाँच को पाँच से गुणा करनी है, कितना आया, पच्चीस आ गया, कितना आया, पच्चीस। तो पहला उत्तर हो गया, पहला पॉइंट क्या था, दो एक्स प्लस पाँच का स्क्वायर, इसका हल कर लिया हमने, तो दो एक्स प्लस पाँच का स्क्वायर क्या आया, चार एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स पच्चीस आया, हो गया। दूसरा पॉइंट, दो एक्स माइनस पाँच का होल स्क्वायर करो, दो एक्स माइनस पाँच का होल स्क्वायर करना है, दो एक्स माइनस पाँच का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है सरल समीकरण कौन सी काम आएगी, क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, चिन्ह क्या है बीच में, माइनस का चिन्ह है, तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह है, सरल समीकरण नंबर दो आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह है, कौन सी आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। तो सरल समीकरण आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2x आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, ए की वैल्यू क्या है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस 2 का 2, ए की वैल्यू क्या है 2x इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना है पहले पर 4 आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, गुणा कर लो 2 दूनी 4, 4 पंद्रह 20, 20x प्लस 5 का स्क्वायर करना है, 5 को 5 से गुणा कर लो कितना आया 25। हल दोनों कर लिए अपन ने, पहला हल क्या आया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 और दूसरा हल क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, दोनों अलग है। अब इस माइनस चिन्ह का जो काम में लेना इसको काम में लेंगे, पहला हल क्या आया, इसको हल करने पर क्या आया, पहला हल आया 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 माइनस, दूसरा हल क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। बस ध्यान रखना दोनों को रखना ब्रैकेट के अंदर ही है, पहले दोनों को रखना है ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह कौन सा है प्लस का और इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह कौन सा है माइनस का। तो नियम क्या होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है उसके अंदर के निशान बदल जाते हैं। नियम कहता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है अंदर का निशान बदल जाता है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्रीन किसका है प्लस का, ये नहीं बदलेगा, इसके बाद चिन्ह कौन सा है माइनस का, ये निशान बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो आ गया आपस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ये सेम आ गया, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह आ गया, अंदर का चिन्ह बदल दो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, ये किस में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है यहाँ पे किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पहले से प्लस था ये किस में हो गया माइनस में। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो, अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगाओ प्लस, प्लस 20x प्लस का कर दो माइनस, माइनस 25 हो गया। अब देखो सबके दो पद है, 4x स्क्वायर है दो बार है, 20x है दो बार है, 25 है ये भी दो बार है ना। तो प्रत्येक चिन्ह है, प्रत्येक संख्या है वो क्या है दो बार है, यहाँ प्लस है ना 4x स्क्वायर, पहला क्या था प्लस था पहले में ना, यहाँ प्लस लगो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, यहाँ प्लस का चिन्ह है अपन गलत लगा दिया, यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस लगा दिया अपन गलती से, प्लस का चिन्ह है 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, उधर भी ये सेम चीज है। तो अब जो असंख्या समान है और चिन्ह असमान है उसका विलोपन कर देंगे, उसको काट देंगे, संख्या समान है और चिन्ह असमान है उसका विलोपन कर देंगे, मतलब काट देंगे। तो 4x स्क्वायर से 4 कट गया क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पे और ये माइनस का है, 25 प्लस का यहाँ कट गया माइनस का यहाँ कट गया, क्या बचा 20x प्लस 20x जोड़ दो कितना आ गया 40x, क्या उत्तर आया इसका 40x, क्या उत्तर आया 40x। आगे समझ में, नेक्स्ट प्रश्न देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, पहला पद 3x 3x, दोनों पहला पद 3x है कैसा हो गया समान हो गया, 4y 4y, दूसरा पद भी क्या है समान है, देखो पहला पद भी समान है और दूसरा पद भी क्या है समान है,
जब दोनों पद समान हो, बारी किसकी आती है, चिन्ह देखने की बारी आती है, चिन्ह देखो पहले अब। प्लस प्लस, दोनों पद समान हैं और चिन्ह भी समान हैं, तीनों चीज समान होगी, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, दोनों पद भी समान है, चिन्ह भी समान है, तो क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो, 3x + 4y का होल स्क्वायर। जब दोनों पद समान हो और चिन्ह भी समान हो, क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। अब होल स्क्वायर करना है, प्लस का चिन्ह है, कौन सी स्वर समीका आएगी वो देखो पहले, होल स्क्वायर करना है, प्लस का चिन्ह है, स्वर समीका कौन सी आएगी, फर्स्ट नंबर आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² स्वर समीका कौन सी आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ठीक है। अब इसमें a का मान क्या लेना है, a का मान 3x लेना है, b का मान क्या लेना है, b का मान 4y लेना है, a का मान 3x लेना है, b का मान 4y लेना है, a स्क्वायर a का मान 3x, 2 × a 3x, b 4y, बी स्क्वायर 4y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 × 3 कर लिया, 3 × 3 कितना आ गया 9, और x × x आ गया x स्क्वायर, क्या आ गया 9x² गुणा करो 2 को 3 से, 3 × 2 = 6, 6 को 4 से, 6 × 4 = 24, x को y से xy, 4y² 4 × 4 कितना आ गया 16, y स्क्वायर करना है, y × y क्या आ गया y² तो 16y², ये इसका आंसर आ गया। तो ये सरल करो कि हमने 3 सवाल कर लिए। स्वर समीका कौन सी काम आएगी वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, स्वर समीका कौन सी काम लगानी है, कौन सी कहाँ लगानी है वो आपको देखना पड़ेगा, स्वर समीका है कौन सी है, कहाँ पर काम आएगी वो आप देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य पूछें। तो आज के लिए इतना ही, और प्रश्न करेंगे इसके वो कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।